शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर उनका जुलूस नारेबाजी करता हुआ आवास विकास भाजपा कार्यालय पर पहुंचा। वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यालय पर तो 5 घंटे से ज्यादा समय प्रदर्शन जारी रहा। भाजपा कार्यालय प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के आने की भनक पुलिस को लग गई। इससे शहर कोतवाल विनोद शुक्ला दल बल के साथ मौके पर आ गए। कुछ देर में ही जुलूस लेकर प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने मौके पर जिलाध्यक्ष या फिर 5 जनप्रतिनिधियों में से किसी को बुलाने की मांग रखी। कोतवाल ने उन्हें बताया कि जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिससे वह नहीं आ सकते। जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध नहीं है, लिहाजा मौके पर मौजूद भाजपा के जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित को ज्ञापन दे दें। लेकिन उसके बाद भी वह ज्ञापन देने को राजी नहीं हुए। दोपहर लगभग 1 बजे से प्रशिक्षु अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। तब जाकर सांसद मुकेश राजपूत के कार्यालय आने पर उन्हें ज्ञापन सौंपा तो सांसद प्रशिक्षु को ही उल्टा समझाते नजर आए। इस दौरान शिव कुमार शाक, प्रताप सिंह, अनुराग सिंह, विकास दीक्षित, गौरव यादव, आशुतोष कुमार, इंद्रजीत, एकता कटियार, विकास पाल, अरुण कुमार, अनुज कुमार आदि प्रशिक्षु अभ्यर्थी मौजूद रहे। मंत्री जी ने 3 जनवरी के बाद 4 को मिले हैं शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा मैं 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा, जबकि 51,112 का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं 2019 में। 3.5 साल कोई न्यू भर्ती नहीं प्रति शिक्षक। हर साल कम से कम 15,000 लगभग रिटायरमेंट प्लस 18,000 नहीं है खाली। आप कह रहे हैं हमने भर्ती तो शिक्षा मंत्री समायोजित रद्द हुआ तो वो पूरी कर रहे हो। न्यू भर्ती कहाँ है? नहीं, 6 घंटे से ले बैठे थे, बस 6 घंटे से ले बैठे थे, 6 घंटे यहाँ बैठे हैं। बोलो बोलो, मांग तो बता नहीं पड़ेगी, पता कैसे चलेगा? आप लोग पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, नौकरी कब की बात है? अगर नेतागिरी की बात होती तो हम लोग यहाँ पर महोदय 6 घंटे से ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। सूचना हर जगह पर दी जाती है, हर जगह नहीं, जिन्हें ज्ञापन दे रहे हैं वो सूचना दी जाती है पहले। अधिकार मांग रहे हैं इसमें नेता हमें उसका कोई गिला शिकवा नहीं। हम लोग यहाँ पर 5.5 घंटे से आपकी सूचना, हम कार्यक्रम छोड़ के आए। आप कहिए, बड़ा धन्यवाद है कि आपने अपना कार्यक्रम छोड़ा, हम लोगों को जानकारी हम उसके लिए आपके धन्यवाद। दो प्रश्नों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। कार्यक्रम हो रहा है, चुनाव पदों पर हम लोग रोज बाद बैठे हैं BTC करने के बाद, अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई हमारे लिए। हम लोग कब तक रोजगार रहे? हमारे घर वाले भी एक आस लगाए हैं,
कि आखिर हमारी बच्ची की जॉब कब मिलेगी, घर वाले पूछते हैं आपकी जॉब कब लगेगी, कितना पढ़ोगे आप लोग जब सरकार शिक्षक भर्ती नहीं देती। शादी के लिए मना कर दिया, मगर इसमें पैसे लगा रहे हैं माँ बाप हमारे, किस लिए लगा रहे हैं, हम लोग खड़ा करने के लिए अपने पैरों पे। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, अभी बस 17,000 दिखा दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? हम उठने वालों में से नहीं है, जब तक हमें कागज नहीं मिल जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं, चाहे हमें यहाँ 4 दिन लग पड़े हम यहीं बैठेंगे। आज 7 जनवरी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिला मुख्यालय भाजपा कार्यालय सब में अपना कार्यक्रम करना उचित समझा, क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत है। 3.5 साल हो गए जब से BTC का डीएलएड में नाम भी हुआ है, तब से आज तक 3.5 साल लगभग हो गए, कोई भर्ती नहीं दी गई है। अधिकारी आश्वासन दे रहे, आज अधिकारी ये कह रहे ना मेरे पास फैक्स करने का वो ही नहीं अधिकार नहीं है, हम फैक्स नहीं, हम जब तक हमको रिसीविंग नहीं मिल जाएगी। मैंने आज ज्ञापन दिया है कि मुझे मेरी आवाज मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए कि मैं आपके उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति परेशान है। जब शिक्षक रोड पे आ जाएगा तो आप बताइए कैसे आगे बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं होता है फिर आप क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं होता है तो मैं बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, चुनाव में फिर मैं अपना कार्य करूँगा। 21-25 लाख समथिंग है, मैं अपना बूथों पे फिर सरकार को गिराने काम करेंगे। जब मेरी सरकार मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं सरकार को गिराने का काम